दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं दिल्ली के होज खास, और होज खास में ही स्थित है बारह खम्बा इमारत। तो दोस्तों ये है बारह खम्बा इमारत जो कि स्थित है दिल्ली के होज खास में। आज जिक्र करेंगे इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा इस इमारत को किसने बनवाया था और कब इसको बनाया गया। इसके साथ साथ दोस्तों क्या क्या मटेरियल्स इसके अंदर यूज़ किया गया है। अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो दोस्तों ये सुबह को 10 बजे खुल जाता है और शाम के 7 बजे तक बंद होता है। निःशुल्क इसकी एंट्री है, कभी भी आप आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा होज खास मेट्रो स्टेशन, और होज खास मेट्रो स्टेशन से ले केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बारह खम्बा इमारत। तो दोस्तों देखते हैं किस तरह की बनी हुई है ये इमारत, इसको बारह खम्बा नाम किस लिए दिया गया। दोस्तों इसको बारह खम्बा नाम इसलिए दिया गया दोस्तों क्योंकि ये 12 पिलरों पे खड़ी हुई इमारत है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसके आसपास बहुत सारी कब्रें भी मौजूद हैं। ये कब्रें अज्ञात हैं, इनके बारे में कोई भी हमें मालूम नहीं है किसकी ये कब्रें हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया रहा होगा उस टाइम, ये बहुत ज़्यादा कब्रें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों इसके बारे में ज़िक्र करते हैं और आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर, और इसके अंदर दोस्तों चूने का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों इस स्मारक के अंदर दोस्तों अभिलेखों का बहुत ज़्यादा लेख लिखे गए हैं इसके अंदर, और मेहराबे भी इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगी। यह इमारत एक वर्गाकार मकबरा है जिसकी हर एक भुजा की लंबाई 10.5 मीटर है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस इमारत के ढांचे में लगभग 12 पिलर हैं जिसमें कि यह इमारत खड़ी है। इस इमारत के अंदर खड़े होने पर देखा जा सकता है कि अलग अलग चौड़ाई वाले 12 पिलरों पर छत आधारित है। एक टाइम था जब इस इमारत के अंदर बहुत ज़्यादा कब्रें थीं और इसके बाहर के हिस्से में भी बहुत सारी कब्रें हैं, और मौजूदा टाइम में यह भी बहुत सारी कब्रें हैं। इस इमारत के आसपास और भी दिलचस्प ढांचे हैं, जैसे सूखा कुआं, एक अनूठा बुर्जनुमा ढांचा और एक वर्गाकार ब्लॉक नुमा संरचना जिसमें चिराग रखने के लिए आला बना है। इस इमारत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इस इमारत को किसने बनवाया था, लेकिन इस इमारत को देखकर लगता है कि यह स्मारक लोधी काल में बनाई गई होगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी आलीशान और ये खूबसूरत इमारत बनी हुई है। लगभग 500 साल पुरानी इमारत है। इस इमारत को देखकर ऐसे लगता है कि लोधी काल में इस इमारत का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि लोधी काल में इस तरह की बहुत सारी इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये जो इमारत है ये लगभग 12 पिलरों पर टिकी हुई है, और इसके साथ साथ दोस्तों इसको बहुत खूबसूरत इसको डिज़ाइन दिया गया था। लगभग 500 साल पुरानी ये इमारत है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।